आज मैं आपको फॉर्मूला बताने वाली हूँ सम का। तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं, इस टेबल के अंदर सीरियल नंबर है, क्लास है, नेम ऑफ द स्टूडेंट है और उनके सब्जेक्ट्स हैं जो 5 हैं। हमें टोटल परसेंटेज और ग्रेड निकालने हैं। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें चाहिए कि ये जो भी बच्चे हैं उनके सम का टोटल निकल जाए। तो उसके लिए हमको यहाँ पे इक्वल्स टू का निशान लगाना है, SUM सम लिखना है। और उसके बाद ये 5 सब्जेक्ट हैं वो हमको सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है और एंटर कर देना है। तो इसका टोटल सम आ गया है 5 सब्जेक्ट का 348। और आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको सारे के सारे सबका टोटल मिल जाएगा। इसके परसेंटेज क्या है, तो सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हमारे इस रिबन के ऊपर दे रखा है ये परसेंटेज का निशान, यहाँ पे जस्ट प्रेस कर देंगे। अब हम यहाँ पे जो भी डालेंगे वो परसेंटेज में ही आएगा। तो अब हमें क्या करना है, इक्वल्स टू को निशान लिखाना है। हमारे टोटल नंबर आए हैं इतने और टोटल 5 सब्जेक्ट हैं तो हमने इसको डिवाइड कर दिया है 500 से और 500 और एंटर करना है, 70% आ गया है। अब इसके बाद इसको भी स्क्रॉल डाउन करना है। तो अब मुझे मालूम पड़ गया है कि दिस इज द टोटल परसेंटेज। मुझे मालूम करना है कि मैं कौन सी ग्रेड लगाऊं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इफ का। तो अब मैंने यहाँ पे ये टेबल बना रखी है कि इस अकॉर्डिंग मैं ग्रेड देना चाहती हूँ, कि ए अगर 70% से ज्यादा आए तो मैं ए दूं, 60% आए तो बी, 70% टू 60% की रेंज आए तो बी, 60 to 50 आए तो सी, और 50 to 40 आए तो डी, और 40 से बिलो वाले फेल हो जाए। इसके फॉर्मूला देना चाहते हैं तो मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया है। मैंने लिखा इफ, इसके बाद मेरा मुझे जो फॉर्मूला देने का दे रहा है वो इस बेसिस के ऊपर देना है। तो मैंने लिखा अगर बच्चे के परसेंटेज 70 आते हैं तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है कि 70% आए। यहाँ पे परसेंटेज का निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका एरर आ जाएगा। अगर 70% से ऊपर आए तो बच्चे के ग्रेड ए प्रिंट हो जाए। उसके बाद वापस इफ लगा रहे हैं, फिर वापस ब्रैकेट क्लो एंटर ब्रैकेट ओपन किया हमने। उसके बाद हम लगा रहे हैं वापस यही परसेंटेज, अगर कम आए 60 से तो बच्चे के परसेंट कितने हो जाए, ग्रेड बी प्रिंट हो जाए। और फिर वापस इफ लगाया कि यही परसेंटेज हो जाए 50 तो प्रिंट हो जाना चाहिए सी, राइट। और यही परसेंटेज वापस इफ लगाते हैं तो अगर यही वापस परसेंटेज कम हो जाते हैं 40% से भी तो प्रिंट हो जाए डी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में ही लगाएं। और अब हमारे पास अगर 40% में नहीं आए तो हम चाहते हैं बच्चा फेल हो जाए, तो आप सिंपल लिख दीजिए, कुछ भी नहीं करना हमें, ब्रैकेट क्लोज नहीं, ब्रैकेट नहीं लगाना, आप केवल कॉमा लगाना है और फेल लिख देना, FAIL इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और हमने 4 इफ लिए हैं इसलिए हम 4 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, राइट। ओपनिंग ब्रैकेट जितने हैं क्लोजिंग ब्रैकेट भी उतने रहेंगे और एंटर कर देंगे आप। तो हमें मालूम पड़ गई है कि ग्रेड आ चुकी है। और आप यहाँ से पकड़ के स्क्रॉल डाउन कर दीजिए तो सबकी ग्रेड आ गई और मेरा एक ही बच्चा फेल हुआ है, बाकी मेरा एक बच्चा डी आया है और ये हमने देख लिया है। अभी लुकअप क्या काम आता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं नाम ढूंढूँ और नाम ढूंढते ही मुझे उसके ग्रेड पता पड़ जाए या मुझे उसके परसेंटेज पता पड़ जाए। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ये वाला नेम ऑफ द स्टूडेंट इसको पेस्ट कर लेती हूँ मैं इधर, ठीक है। और मैं चाहती हूँ उसके परसेंटेज उसी के सामने आ जाए मेरे, कि मैं जो भी बचे परसेंटेज अगर वो हमारे सामने यहाँ पे प्रिंट हो जाए। नेम परसेंटेज और ग्रेड हमें मालूम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यूज करेंगे लिस्ट को, ये रेंज। इससे पहले मैं आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखाती हूँ। नाम लिखने की जगह मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देती हूँ, इन सारे बच्चों की जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक
सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया, नेम ऑफ द स्टूडेंट जहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया था उसके जस्ट नीचे वाला, और डेटा के ऊपर गई मैं, मैंने डेटा वैलिडेशन के ऊपर रखा आया। यहाँ पे सेटिंग्स में आप देखिए एनी वैल्यू लिखा हुआ है, उसकी जगह मैंने ये लिस्ट चूज करा है, और उसके बाद सोर्स है कि मुझे किसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो मैंने इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी है और यहाँ पे ओके कर दिया। तो मैं जैसे ही ओके करती हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है, और यहाँ पे मेरे पास सारे बच्चों के नाम आ चुके हैं। तो मैं जिनके भी परसेंटेज देखना चाहती हूँ मेरे को डायरेक्टली परसेंटेज और ग्रेड वो बता देगा, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि परसेंटेज की उस बच्चे का आ जाए, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर मैंग लिखा हुआ है, तो मैंग से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल्स टू, और वी लुकअप कैसे लगाते हैं, वी लुक अप लगाया। मैं ये चाहती हूँ डॉक्टर मयंक के परसेंटेज और दिखाई दे, तो आप चाहे तो इन्वर्टेड कॉमा में बच्चे का नाम लिख सकते हैं, और मैंने क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली है तो मैं इसको क्लिक कर देती हूँ और कॉमा कर देती हूँ। अब कहाँ से ये सारी चीजें ढूंढ के लेके गए, तो मेरी टेबल इसमें नाम से स्टार्ट कीजिएगा, उससे पहले कि कोई भी कॉलम यूज मत कीजिएगा, ऊपर के भी कॉलम मत यूज कर कीजिएगा, और नीचे तक आपने क्या करा सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा दिया। अब पूछा है कॉलम इंडेक्स नेम नंबर, दैट मींस कि मुझे क्या निकालना है परसेंटेज, तो ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड नाइन्थ, तो नाइन्थ कॉलम मुझे चाहिए कि वो परसेंटेज निकाल दें, और मुझे बिल्कुल परफेक्ट मैच चाहिए, तो मैं 0 है एग्जैक्ट मैच के लिए, तो ये मैंने एंटर करा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे, और मैंने दे रखी है, तो ये परसेंटेज मुझे व्यू करती हूँ परसेंटेज में दिखाना चाहिए, तो ये परसेंटेज में मुझे दिखाने लग गया है। अब आप देखेंगे कि मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से चाल देखती हूँ, आखिरी में मिस्टर महेश है, मिस्टर महेश की परसेंटेज 63, तो मैंने जैसे ही मिस्टर महेश भी क्लिक किया तो परसेंटेज 63 आ गई है। अब मैं चाहती हूँ कृतिका की देखना, तो कृतिका चूज किया, तो कृतिका की 85 है, आप देख।